जी क्या सामने को मेरी आवाज आ रही है आपको? तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दें। एक्सक्यूज मी क्लास, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलें ठीक है बेटा, अपने अपने वॉल्यूम्स ऊंचे रखिएगा क्योंकि मेरी तरफ से यहाँ से फुल आवाज है, तो अगर स्लो आ रही है तो काइंडली अपने वॉल्यूम्स ऊंचे रखिए, फुल रखिएगा। अच्छा बच्चे, पुराने लेक्चर में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं था? अगर है तो पूछ लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं आज का। सोफिया, सोफिया आपने मुझे क्लास के एंड होने पे एक दफा याद करा देना है, बाकी मैं इंशाल्लाह देख लूंगी। चलें बच्चे, सो फार वी हैव कवर्ड अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पाइन, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइन, स्टेबिलिटी, और हमने मसल कंट्रोल देखा था कि हमारे मसल्स जो हैं वो किस तरह से हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हमें हेल्प आउट करते हैं। आज जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो बेसिकली हमारे फॉल्टी पोस्चर्स से रिलेटेड है, और उसको हमने जनरली किस तरह से ट्रीट करना है उसकी गाइडलाइंस हैं वो हम आज देखेंगे। तो अगर हम पेन की बात करें तो जो इटियोलॉजी ऑफ पेन है उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। मैकेनिकल भी पेन होती है, वो स्ट्रेस रिलेटेड भी है, वो आपकी पोस्चर से रिलेटेड भी हो सकती है, फॉल्टी पोस्चर से आपके मसल्स अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उनकी इंड्योरेंस अगर अप टू द मार्क नहीं है, तब भी वो आपको कॉज करेगा क्या, पेन कॉज करेगा। पेन सिंड्रोम्स रिलेटेड टू इम्पेयर्ड पोस्चर्स, ये क्या चीज़ है इसको भी आगे देखते हैं डिटेल में। अब मैकेनिकल और स्ट्रेस रिलेटेड पेन की अगर हम बात करें ना, तो जितने भी हमारे इनर्ट स्ट्रक्चर्स हैं या एक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, यानी पैसिव स्टेबिलिटी और एक्टिव स्टेबिलिटी देने वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके नोसीसेप्टिव स्टिमुलाई की लिए रिस्पॉन्सिव होते हैं। नोसीसेप्टिव स्टिमुलस कौन से होते हैं? जो कि पेन प्रोवोकिंग स्टिमुलसेस हैं, जो आपके पेन के स्टिमुलस को या सिग्नल्स को, मैसेजेस को आपके हायर सेंटर्स तक लेके जाते हैं, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेस टू पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स कॉज डिस्टेंशन और कंप्रेशन ऑफ द नर्व एंडिंग्स लीडिंग टू पेन। होता है असल में बेसिकली क्या है कि ये जो मैकेनिकल कंप्रेशंस हैं या डिस्टेंशंस हैं, ये असल में आपकी उन नर्व एंडिंग्स को जो है ना वो इरिटेट कर रही होती हैं, जिनका काम क्या है कि पेन को, मैसेज को लेके जाना। तो वो अल्टीमेटली फिर क्या है, आपके पेन फील होना शुरू होती है। पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, लाइक ये कोई बीमारी नहीं है, जो मैकेनिकल स्ट्रेस है या जो पेन है ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपके मैकेनिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब क्या है कि आप जब काम कर रहे हो तो आपको पेन है, अगर आप वो पर्टिकुलर स्टिमुलस, वो पर्टिकुलर लोड अगर आप वहां से रिमूव कर दो तो पेन भी खत्म हो जाएगी, रिलीव हो जाएगी। मैकेनिकल पेन का मतलब ही यही होता है कि विद वर्क, विद एक्टिविटी वो चीज है, जब आप रेस्ट करते हो, जब उस चीज, उस काम को आप छोड़ देते हो, तो वो आपकी पेन भी क्या होती है, बेहतर हो जाती है। इफ द मैकेनिकल स्ट्रेसेस एक्सीड द सपोर्टिंग कैपेबिलिटीज ऑफ टिश्यूज, ब्रेक डाउन एंड सीजेस, के जो आपकी नेचुरल कैपेबिलिटीज हैं टिश्यूज की, अगर उससे बढ़ जाएगा ये मैकेनिकल स्टिमुलस, तो अल्टीमेटली क्या है कि आपके प्रॉब्लम्स शुरू होंगे और वो फिर आके क्रिटिकल किस्म की चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। जो इम्पेयर्ड पोस्चरल सपोर्ट है उसका क्या इफेक्ट है? बेसिकली आपकी ये जो पोस्चरल मसल्स हैं,
कंटिन्यूस तो इनको वर्क रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उनकी उनका स्ट्रक्चर इस तरह का है, उनके कॉम्पोजिशन इस तरह की है कि उन्हें बहुत ज्यादा कोई काम नहीं करना पड़ता. अगर वो उनकी एंड्योरेंस कैपेबिलिटीज ठीक है तो उनको कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता अपराइट पोजिशन को मेंटेन करने के लिए. लेकिन अगर ऐसे हो कि उनका जो इंड्योरेंस है वो ठीक नहीं है, उनका जो इम्पेयर्ड है उनकी मोबिलिटी या उनकी परफॉर्मेंस, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी वो जो स्पाइन्स की कर्व्स है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी, एग्जैजरेट कर जाएंगी या वो रिड्यूस हो जाएंगी, मतलब उनमें चेंज आ जाएगा. ठीक. अब अगर ये कॉन्टिन्यूस हो, एग्जैजरेशन जो है कर्व्स की वो कॉन्टिन्यूस हो, तो फिर क्या आएगा, आपके पास पोस्टरल इम्पेयरमेंट आना शुरू हो जाएंगी. ठीक है. मसल की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी में इंबैलेंस आना शुरू हो जाएगा. जितनी स्ट्रेंथ चाहिए, जितनी उसके अंदर इलास्टिसिटी चाहिए, दोनों के अंदर चेंज आ जाएगा. सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर रिस्ट्रिक्शन आएगी, यानी हाइपोमोबिलिटी कॉज हो सकती है. सम केसेस में हाइपर मोबिलिटी भी कॉज हो सकती है. ठीक है. तो हाइपोमोबिलिटी, हाइपर मोबिलिटी के केसेस, आपकी स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी के इम्बैलेंसेस और आपके पोस्टरल इम्पेयरमेंट आएंगे जब आपकी कर्व्स जो है ना वो स्पाइन की चेंज होती है. दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझने वाली. बुक में आपको बहुत जगह पे स्ट्रेच वीकनेस और टाइट वीकनेस का नाम लिखा हुआ नजर आएगा. वो टर्म्स क्या है? स्ट्रेच वीकनेस हम किसको कहते हैं? मसल्स दैट आर हैबिचुअली केप्ट इन अ स्ट्रेच्ड पोजीशन टेंड टू टेस्ट वीकर बिकॉज ऑफ अ शिफ्ट इन लेंथ टेंशन कर्व. जिन मसल्स को आप पोस्टरल फॉल्ट्स की वजह से कॉन्टिन्यूसली ऐसी पोजीशन के अंदर रख रहे हैं कि वो अपनी ओरिजिनल जो नेचुरल लेंथ है उससे एक्सटेंडेड है, स्ट्रेच्ड पोजीशन के अंदर है, तो ज्यादा देर ऐसे पोजीशन के अंदर रहने की वजह से उनका जो लेंथ टेंशन रिलेशनशिप कर्व बनता है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, उसमें शिफ्ट आ जाता है. और उसकी वजह से जब आप उन मसल्स को टेस्ट करते हो तो वो आपको वीक फील होते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो आपको द मार्क नहीं होती. वीकनेस दोनों तरह के केसेस में है, चाहे वो स्ट्रेच के केसेस हो चाहे वो टाइटनेस के केसेस हो. अब टाइट वीकनेस क्या है? वीकनेस का मतलब यही है कि मसल इस टाइम पे प्रॉपर काम नहीं कर रहा. किस वजह से नहीं कर रहा? प्रोलॉन्ग स्ट्रेच था. टाइट वीकनेस क्या है उसको देख लेते हैं. मसल्स कैप्ट इन अ हैबिटुअली शॉर्टेंड पोजीशन टेंड टू लूज देयर इलास्टिसिटी. जब मसल्स को आप कॉन्टिन्यूसली ऐसे फॉल्टी पोस्चर्स के अंदर रखेंगे जिसमें वो कॉन्टिन्यूसली क्या है कि शॉर्टेंड पोजीशन में है अपनी ओरिजिनल लेंथ से, तो वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देंगे. अब वो लेंथ जो उसकी शॉर्टेंड लेंथ है उसमें तो वो मसल बड़े अच्छे से काम करेंगे, लेकिन जैसे ही उस शॉर्टेंड लेंथ के बाद उनको हम उनको लेंथन अप करना चाहेंगे तो उस वक्त वहां जाके जो है ना उनमें पेन कॉज होना शुरू हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो अपनी इलास्टिसिटी उस लिमिट के अंदर लूज कर दी भी उन्होंने. तो ये क्या है? आपकी टाइट वीकनेस. पोस्टरल फॉल्ट्स जब भी आते हैं उसमें हमारे पास कुछ मसल ग्रुप्स के अंदर स्ट्रेच वीकनेस आ जाती है और कुछ मसल ग्रुप्स के अंदर टाइट वीकनेस आ जाती है अकॉर्डिंग टू जो भी आपने पोस्टर अडॉप्ट किया था. ये हमारे पास कुछ फॉल्टी पोस्टर्स हैं जिसमें आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं कि ये आपका गुड पोस्चर है. लाइन ऑफ ग्रेविटी सारी जगह जो हमने जॉइंट्स पढ़े थे उनमें से एग्जैक्टली उस तरह से पास कर रही है वर्टिकली. कुछ पोस्चर्स ऐसे होते हैं जिनको हम फॉरवर्ड हेड पोस्चर भी कहते हैं, जो कि राउंडेड शोल्डर्स भी हैं या आपकी जो नेक है वो बहुत ज्यादा आगे की तरफ जो है वो फॉरवर्ड हुई भी होती है. हालांकि जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि आपके जो ईयर लोब्स हैं और आपकी जो शोल्डर की टिप है ये दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल, एक दूसरे के वर्टिकल होनी चाहिए. अब इसमें और इसमें कितना फर्क है? ठीक है, ये ईयर लोब यहाँ पे और शोल्डर यहाँ पे, ये आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर है. ज्यादा ऑफिस वर्कर्स या जो बहुत ज्यादा रीडिंग करने वाले लोग होते हैं झुक के, या टेक्स्ट नेक्स जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल फोन यूज करना झुक के, ये उस केस के अंदर होगा. आपके ये जो मसल्स हैं एक्सटेंसिव मसल्स, ये आपके टाइट हो जाते हैं. फ्लेक्सिव मसल्स आपके वीक हो जाते हैं. थोरेसिक के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम आ जाता है. ये आपका थोरेसिक काइफोसिस है जिसमें आपकी थोरेसिक के ऊपर बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन हो जाती है फ्लेक्शन की. ठीक है, इसके अंदर भी आपके पास राउंडेड शोल्डर्स लाइक पोस्चर भी बन जाता है. ये पोस्टीरियर मसल्स आपके रोम्बॉइड्स वीक हो जाते हैं, इसमें ये स्ट्रेच वीकनेस आ जाती है. और आपके जो पेक्टोरल मसल्स हैं ये टाइट वीकनेस में चले जाते हैं. देन वी हैव लंबरलोडोसिस. लंबरलोडोसिस के केस में आपकी क्या है? इंटीरियर पेल्विक टिल्टिंग बहुत ज्यादा होती है जो कि हमेशा एसोसिएट करती है आपकी लंबर कर्व की एग्जैजरेशन से. लंबर कर्व बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर जाती है और उसकी वजह से आपके ये जो लंबर के एक्सटेंसेस हैं ये टाइट हो जाते हैं और
फ्लेक्सर्स ऑफ हिप टाइट हो जाते हैं, ये क्रॉस लोअर क्रॉस सिंड्रोम जिसको आप बोलते हैं, और ये इस तरह इस डायरेक्शन के अंदर ये जो आपके हिप के एक्सटेंसर्स हैं और लंबर के फ्लेक्सर्स या एब्डोमिनल्स जिसको हम कहते हैं, ये आपके वीकनेस में चले जाते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकी लेंथनिंग वगैरह हो रही होती है, स्ट्रेच वीकनेस आ जाती है इनमें. देन वी हैव स्वे बैक. स्वे बैक इस तरह का पोस्चर है जिसमें टिल्टिंग तो कोई खास नहीं होती है, ना इंटीरियर ना पोस्टीरियर. इसमें ओवरऑल आपका जो पेल्विस है ना, ये इंटीरियर को शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसलेट कर जाता है. टिल्टिंग नहीं आती, ट्रांसलेट कर जाता है आगे की तरफ, और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आपका ये जो थोरेसिक है ये बहुत ज्यादा एक्सटेंशन में चला जाता है. आपके हिप के ऊपर जो है वो फ्लेक्शन आ जाती है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए नी थोड़े से क्या है, फ्लेक्स चले जाते हैं, ठीक है. तो ये आपका पोस्चर क्या होता है, इसको हम कहते हैं स्वे बैक. और ये आपका पोस्चर क्या है जिसमें दोनों कर्व्स चेंज हो रही है, काइफोसिस भी है और लोडोसिस भी है, ठीक है. तो ये आपका ये एक तरह का स्लाउच पोस्चर होता है जो कि ज्यादा उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब आप बहुत ज्यादा झुक के बैठ के काम करने वाले होते हैं और आपने प्रॉपर आपकी सीटिंग नहीं है, स्लाउच सिटिंग अगर आपकी पोजिशन ज्यादा हो, तो इस तरह का पोस्चर बनता है जिसमें दोनों तरह की जो है वो आपकी कर्व्स इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है जी. अच्छा, अब अगर हम बात करें कि इम्पेयर्ड मसल इंड्योरेंस, क्योंकि अब आपने देखा कि स्ट्रेच वीकनेस भी है कुछ मसल्स में, कुछ में टाइट वीकनेस है, तो जब आप सस्टेन पोस्चर्स क्रिएट करते हो तो आपकी क्या है कि वो मसल्स जिन्होंने आपको इंड्योरेंस प्रोवाइड करनी थी उनका अब क्या है, इम्बैलेंस आना शुरू हो गया. अगर तो वो नॉर्मल होते तो उनको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं थी, एबिलिटी उनके अंदर इतनी ज्यादा है. लेकिन जब आपके पोस्चर्स जो है वो इस तरह से रहेंगे कि वो फॉल्टी पोस्चर्स है सस्टेन करेंगे, तो छोटी सी भी जो चेंज है उसको आपको स्टेबलाइज करने के लिए बहुत ज्यादा जो है ना वो आपके मसल्स को फोर्स लगानी पड़ेगी इंड्योरेंस ना होने की वजह से. एज द मसल फटीग मैकेनिक्स चेंज एंड लोड शिफ्ट्स टू इनर्ट स्ट्रक्चर्स विच आर सपोर्टिंग स्पाइन एट द एंड रेंज. अब क्या है कि मसल्स की इम्पेयरमेंट आ रही है इंड्योरेंस के अंदर, तो इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, उन पे तो आ ही रहा है, इंड्योरेंस कम हो रही है. दूसरी तरफ आपके इनर्ट स्ट्रक्चर जिन्होंने आपको एंड रेंज के ऊपर, वो जो हमने इलास्टिक जोन पढ़ा था इनर्ट स्ट्रक्चर का, वहां पे उसके ऊपर लोड्स जो है ना वो ज्यादा प्लेस होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि मैकेनिक्स तो मसल्स की खराब है, तो अब इनर्ट स्ट्रक्चर्स का जो है ना वो स्टेबलाइजेशन उनको ज्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. दिस लीड्स टू मैकेनिकल स्ट्रेस विच कॉजेस पेन अल्टीमेटली, ठीक है. तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि आपको फिर पेन कॉज करता है, और वी फाइंड आउट कि यार हमारे पास कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कमर में दर्द है, फलां जगह प्रॉपर हमसे काम नहीं हो रहा. पेन सिंड्रोम्स रिलेटेड टू इम्पेयर्ड पोस्चर्स, ये थोड़ी तीन चार टर्म्स हैं जो कि पता होनी चाहिए. पोस्चरल फॉल्ट क्या है, बेसिकली पोस्चर के अंदर किसी भी किस्म की डेरिवेशन, कोई भी शिफ्ट, नॉर्मल अलाइनमेंट से किसी किस्म का कोई शिफ्ट जो है उसको हम पोस्चरल फॉल्ट कहते हैं. ऑल्दो अगर सिर्फ और सिर्फ पोस्चरल फॉल्ट है ना, उसमें कोई स्ट्रक्चरल काइंड की इम्पेयरमेंट्स नहीं होती, वो सिर्फ शिफ्ट है जो कि नॉर्मल हमारी डेली लाइफ के कामों में आता रहता है शिफ्ट, पोस्चरल फॉल्ट. पोस्चरल पेन सिंड्रोम क्या चीज है कि द पेन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस व्हेन अ पर्सन मेंटेन्स अ फॉल्टी पोस्चर फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम. अब वो फॉल्टी पोस्चर अगर आपकी आदत बन रही है और वो आपके हैबिचुअल हो रहा है प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, तो उस वक्त उसको हम क्या कहेंगे, पेन की वजह से वो जो पेन आएगा उसको हम कहेंगे पोस्चरल पेन सिंड्रोम. इम्पेयरमेंट तो इसमें अंदर कोई खास नहीं आती है, बट इसमें क्या प्रॉब्लम आता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी का जो इम्बैलेंस है ना वो आ जाता है मसल्स के अंदर, कि वो स्ट्रेच वीकनेस और जो टाइट वीकनेस है वो वाले प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ जाते हैं. पोस्चरल डिसफंक्शन हम किसको कहते हैं, अडैप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज एंड मसल वीकनेस. अब क्या है कि वो फॉल्टी पोस्चर जो कि बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग था, अब उसमें अडैप्टिव शॉर्टनिंग आना शुरू हो गई है टिश्यूज की, मसल्स में, बाकी जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज हैं, लिगामेंट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, उनमें भी अगर आपकी आ जाती है शॉर्टनिंग अडैप्टिव, तो उस केस को हम क्या कहेंगे, पोस्चरल डिसफंक्शन. पुअर पोस्चरल हैबिट्स उसकी वजह है, वो कॉन्ट्रैक्चर्स बनते हैं, एडिशंस जो है वो इसकी रीजन है, ठीक. पोस्चरल हैबिट्स किसको कहते हैं, गुड पोस्चरल हैबिट्स इन द एडल्ट आर नेसेसरी टू अवॉइड पोस्चरल पेन सिंड्रोम एंड पोस्चरल डिसफंक्शन. आप इन दो चीजों को अगर अवॉइड करना चाहते हैं, अडैप्टिव शॉर्टनिंग को और आपकी जो इम्बैलेंसेस हैं, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी इम्बैलेंसेस, उसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, तो आपकी जो पोस्चरल हैबिट्स हैं वो
गुड होनी चाहिए. अब ये वही वाले पोस्टर्स हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए. ये आपका लोडोटिक कर्व है, फर्स्ट ए. दिस इज इसको हम कहेंगे ये आपका है स्वे बैक, ठीक है, जिसके अंदर आपकी ओवरऑल आपका जो है वो शिफ्ट हुआ हुआ है पेल्विस, ठीक है, इंटीरियर को. ये आपका फ्लैट बैक है जिसमें आप देख सकते हो कि ये कर्व जो है ना वो बिल्कुल ही इसमें रिड्यूस हुई हुई है. फ्लैट बैक जो पोस्चर है ना ये ऑपोजिट टू आपका वो है लोडोसिस. इसके अंदर आपकी पोस्टीरियर टिल्टिंग होती है. पोस्टीरियर टिल्टिंग अगर एग्जैजरेट हो जाए तो उसकी वजह से आपकी जो स्पाइन की कर्व है लंबर की वो फ्लैटनिंग की तरफ जाना शुरू हो जाती है. इस केस के अंदर आपके एक्सटेंसर्स ऑफ हिप और फ्लेक्सर्स ऑफ लंबर या एब्डोमिनल ये टाइट पोजीशन में चले जाते हैं, टाइट वीकनेस में. और इसके ऑपोजिट ग्रुप जो है लंबर फ्लेक्सेस, सॉरी लंबर एक्सटेंसर्स और हिप फ्लेक्सेस, ये आपकी टाइट जो स्ट्रेच वीकनेस है उसकी तरफ चले जाते हैं, ठीक है. लोअर क्रॉस सिंड्रोम में जो लोडोसिस है उससे ऑपोजिट आपका ये केस बनता है फ्लैट बैक का. ये आपके पास पोस्टर जो है ना जिसमें ये इसको हम कह सकते हैं मिलिट्री बैक पोस्टर भी है, जिसमें एग्जैजरेशन तो है लंबर की भी लेकिन साथ में क्या है जो थोरेसिक है उसकी भी बहुत ज्यादा एक्सटेंशन यहाँ पे हुई हुई है, ठीक है. तो ये भी हमारे पास पोस्टर जो है वो फ्लैट अपर बैक, इसको हम बोलते हैं फ्लैट अपर बैक, जिसमें आपका थोरेसिक जो है ना वो फ्लैटनिंग की तरफ जा रहा है, ठीक. तो उसकी कंपनसेशन साथ में थोड़ी सी लंबर के ऊपर भी आती है. अब ये जो पोस्टर्स के नाम है पेल्विस और लंबर में अगर रीजन में देखें तो जो हमारे पास फोल्टी पोस्टर्स बनते हैं लोडोटिक है, रिलैक्स और स्लाउच पोस्टर है, फ्लैट लो बैक पोस्टर, ठीक है. ये तीनों मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, ये लोडोसिस, ये स्लाउच पोस्टर, ये फ्लैट बैक पोस्टर, ठीक है. और फिर आप सर्वाइकल और थोरेसिक रीजन की अगर हम बात करें तो राउंडेड बैक है, इंक्रीज काइफोसिस विद फॉरवर्ड हेड, जिसमें आपकी टेक्स नेक सिंड्रोम भी आप उसको बोल सकते हो. फ्लैट अपर बैक एंड नेक पोस्टर, ये आपका जो डी पिक्चर है ये आपकी फ्लैट अपर बैक पोस्टर है, ठीक है. इसके अलावा हमारे पास फ्रंटल प्लेन में डेविएशंस भी आती हैं, जिसमें आपकी स्कोलियोसिस है. स्कोलियोसिस वी ऑल नो के जो लैटरल शिफ्टिंग है आपके कर्व की उसको हम कहते हैं स्कोलियोसिस. फ्रंटल प्लेन डेविएशंस फ्रॉम लोअर एक्सट्रीमिटी एसिमेट्री. स्कोलियोसिस जो है वो आपकी लोअर लिम की एसिमेट्रीज की वजह से भी हो सकता है. आई होप कि ये चीज आपने पढ़ी होगी कि अगर लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी हो, लाइक आपकी लेग्स के अंदर जो लेंथ है वो इक्वल ना हो, तो उस केस में भी आपका जो है वो पेल्विस हॉरिजॉन्टल नहीं रहता. पेल्विस हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा तो उसका इफेक्ट ओवरऑल कहाँ पे आएगा, आपके स्पाइन की लैटरल कर्व्स के ऊपर आएगा, ठीक है, लैटरल डेविएशंस के केस में. अब जैसे कि ये है, अब ये हम राइट साइड कंसिडर कर लेते हैं और ये हम लेफ्ट साइड अगर कंसिडर करें तो इस केस में आप देखेंगे ये थोरेसिक के ऊपर आपको यहाँ पे कर्व नजर आ रही है जो कि राइट साइड पे कन्वेक्स शेप में आपको नजर आ रही है, और लंबर के एरिया में आपको लेफ्ट साइड पे कन्वेक्स एरिया जो है वो नजर आ रहा है. ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका काइफोसिस है जिसमें आपको एस शेप जो है वो नजर आ रही होगी. बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तो नहीं है ऑब्वियसली, बट ये आपकी क्या है राइट साइड का थोरेसिक कर्व चेंज हो रही है और लेफ्ट साइड का लंबर स्कोलियोसिस जो है वो प्रेजेंट है. इसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि पेशेंट को जो है ना वो हम फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन के अंदर लेके जाते हैं और पोस्टीरियर साइड से हम उसको जो है वो इवेल्युएट करते हैं. तो उसमें हमें ये जो दोनों एरियाज है ना रिब्स जो है वो लेफ्ट और राइट की हमें इक्वल नहीं नजर आती. आप ये चेक करो कि आपका ये जो राइट साइड है ये आपको थोड़ी सी एलिवेटेड रिब्स नजर आ रही होंगी और ये आपका ये जो है ये थोड़ा सा यहाँ से फ्लैटन सा एरिया आपको नजर आ रहा है. तो ये आपकी क्या है पोस्टरल जो या स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस इसको हम कहेंगे, ठीक है. इनकेस अगर ये स्ट्रक्चरल है, अगर ये बाय बर्थ है और ये फ्लेक्सिबल नहीं है उसको हम स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस कहेंगे. समटाइम्स स्कोलियोसिस जो है ना वो आपका पोस्टरल भी होता है, लाइक आपकी पोस्टरल इम्बैलेंसेस की वजह से. अब वो पोस्टरल कैसे होगा, उसके अंदर आपका ये केस आ जाता है जिसमें आपकी एसिमेट्रीज अगर आ रही है लोअर लिप की, ठीक है, लाइक लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, दोनों लेग्स जो है वो एक टांग छोटी है एक बड़ी है. अब होता क्या है कि वो जो आपकी टांग जो आपकी बड़ी है यानी कि लॉन्ग लेग जो है एल एल जिसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो लॉन्ग लेग वाला जो एरिया है उसका पेल्विस आपको थोड़ा सा रेज्ड नजर आता है, एलिवेटेड नजर आता है. अगर आप गौर करो तो ये डायगोनल आपको ये नजर आ रहा होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल नहीं है. ये साइड आपकी क्या है एलिवेटेड है बिकॉज ये लेग जो है ना वो आपकी लॉन्ग लेग. अब उसकी वजह से क्या होता है
कि एक साइड का पेल्विस आपका ड्रॉप्ड है, ठीक। अब उसकी वजह से अब क्या प्रॉब्लम आएगा कि यहाँ पे जो पेल्विस साइड ड्रॉप है उस साइड पे आपको ये कर्व जो है ना वो बनती नजर आती है, ठीक है। उसकी जो कंपनसेशन है वो आपके थोरेसिक के ऊपर भी जाती है, आपके शोल्डर्स की जो हाइट है वो भी एक जैसी नहीं रहती, एक साइड का एलिवेटेड होता है जिस साइड पे आपकी, ऑब्वियसली लेग जो है वो लेंथ ज्यादा। अब इसकी कंपनसेशन जो है वो पेशेंट किस तरह से करता है, हर वक्त तो नहीं ना इस तरह से रहा जा सकता, उसकी कंपनसेशन पेशेंट इस तरह से करता है कि अपनी ये जो लेग लेंथ है ना, जो सॉरी जो लॉन्ग लेग है, ठीक है, जो बड़ी लेग है, उसको क्या करता है पेशेंट एडक्टेड पोजीशन के अंदर रखता है, ठीक है, एडक्टेड पोजीशन के अंदर रखता है। उसकी वजह से जो आपकी स्मॉल लेग है उसकी जो हाइट में चेंज आ रहा है कि पांव जमीन पर नहीं लग रहा, तो उसको पेशेंट क्या करता है कि एबडक्टेड पोजीशन के अंदर रखता है, टांग को थोड़ा सा एबडक्ट करके बाहर की तरफ जो है वो निकाल के रखता है ताकि वो जमीन के ऊपर प्रॉपरली प्लेस हो सके। अच्छा, अब जब ये प्लेस होगी इसकी वजह से जो आपकी कर्व्स जो है ना वो क्या होंगी, वो स्ट्रेट स्पाइन नहीं रह सकेगी और आपकी जो जो कर्व है वो चेंज होगी और उसमें किस क्या है स्कोलियोसिस जो है ना वो डेवलप होना शुरू होगा, ठीक है, एस शेप का आपको जो है वो स्कोलियोसिस मिलेगा। बट क्योंकि ये पोस्टरल है, अगर आप इसकी लेग लेंथ को जो है वो काउंटर कर लो, आप इनसोल्स दे दो पेशेंट को, आप ऐसे शूज रेकमेंड कर दो जो कि हील वाले हों, एक साइड जो स्मॉल लेग वाली साइड है, तो वो आप क्या करोगे हाइट को बैलेंस कर लोगे, हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगा पेल्विस, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पाइन की कर्व्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, ठीक है, मतलब नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर जाएंगी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें कुछ ये चीजें हैं कि जो आपकी स्कोलियोसिस बन रहा है उसमें एक तरफ आपकी कनकेव साइड है, एक तरफ आपकी कन्वेक्स साइड है, तो जो कनकेव साइड होती है उसके अंदर क्योंकि कंप्रेशन है, वहां पे टिश्यूज इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहां पे जो न्यूरल टिश्यूज हैं उनके ऊपर कंप्रेशन आके तो कंप्रेशन के सिम्टम्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। इसी तरह से जो आपकी कन्वेक्स साइड है, ठीक है, कन्वेक्स साइड पे क्योंकि आपके स्ट्रक्चर्स जो है वो स्ट्रेच हो रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है वो स्ट्रेचिंग वगैरह जो है वो स्ट्रेच वीकनेस जो है वो कॉज हो सकती है, ठीक है, उस साइड के मसल्स पे। इंटरवर्टिब्रल फोरामिनास जो है वो आपके लॉन्ग लेग साइड पे क्या हो जाते हैं, वो नैरो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि कर्व वहां पे किस तरह का बन रहा है, वहां पे कनकेविटी कॉज जो है हो रही है। थोरेसिक एंड सर्वाइकल स्पाइन हैज कंपनसेटरी स्कोलियोसिस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अगर लंबर एरिया में अगर आपका स्कोलियोसिस है तो उसको नेचुरली कंपनसेट करने के लिए जो बाकी की कर्व्स हैं वो अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट करती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसी वजह से सी शेप जो है सॉरी एस शेप जो है वो कर्व बनती है, यानी कि दो जगह पे आपकी लैटरल डेविएशन आती है। होपफुली ये चीजें आपको क्लियर होंगी और स्कोलियोसिस आपने पढ़ा होगा, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं उसकी बताई आपको, लेकिन होपफुली ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें तो ठीक है जी, इस तरह के प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं, अब उनको आपने ठीक कैसे करना, मैनेजमेंट ऑफ इम्पेयर्ड पोस्चर जो है वो क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में। तो जो जनरल गाइडलाइंस है ना उसमें क्या है कि हमारी पोस्चरल अलाइनमेंट, बात ही यहाँ से शुरू होगी कि जो प्रॉब्लम है जो कॉज है हमने उसको ठीक करना है। इधर उधर की चीजें तो ठीक है चलती है, लेकिन जब तक आप पोस्चर को सही नहीं करोगे तब तक बाकी की चीजों का फायदा नहीं होगा। ROM, joint mobility and flexibility, ठीक है, क्योंकि postural imbalances के साथ हमने पढ़ा था कि आपकी mobility restrict हो सकती है, ठीक है, और आपकी flexibility और strength वगैरह जो है वो impair हो सकती है। Muscular strength and endurance, वही बात आ गई। अच्छा, अब ROM जो joint mobility है वो आप किस तरह से through mobilization techniques से आप करोगे, stretchings कर सकते हो आप muscles की flexibility को improve करने के लिए। मस्कुलर स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस के लिए आप क्या काम करेंगे, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाना पड़ेगा, इंड्योरेंस के लिए आपको इंड्योरेंस ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, ठीक है, फटीग को रिजिस्ट करने के लिए। एर्गोनॉमिक असेसमेंट जरूरी है कि वो बंदा पर्टिकुलर घर पे किस तरह से काम कर रहा है, ऑफिस अगर जाता है या जो भी उसका वर्क प्लेस है वहां पे वो किस तरह से काम कर रहा है, वहां की जो इक्विपमेंट है, जो उसका डेली का बैठ के काम करने वाला एरिया है वो किस तरह का है, वो प्रॉपर उसको
मैकेनिक्स उसकी है यहाँ पर कि नहीं है, ठीक है। अच्छा बॉडी मैकेनिक्स फिर ओवरऑल आपकी आ जाती है कि आप जो काम कर रहे हो, जो एक्टिविटीज प्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें आप किस तरह से बॉडी मैकेनिक्स को यूज कर रहे हो, आइदर वो ठीक भी है कि नहीं, वो आप अपने मसल्स को राइट एंगल पे यूज कर रहे हो कि नहीं, आप अपने जॉइंट्स को राइट एंगल पे यूज कर रहे हो कि नहीं, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। कार्डियो पल्मोनरी एंड्योरेंस ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न, ये भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो आपको बाहर आल जो फोर्सेज आनी है, जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो तो आपको बाकी सिस्टम्स ने देनी है ना, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ब्लड रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए आपकी कार्डियो पल्मोनरी एंड्योरेंस होनी चाहिए। क्या आपका सीवीएस सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कितनी उसको जो है वो फटीक की रेजिस्टेंस देता है वो आपको, ब्रीदिंग पैटर्न किस तरह के, सांस बहुत ज्यादा चढ़ता हो किसी बंदे को तो वो एक्सरसाइजेस नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, इवन कोई छोटा मोटा सा काम हो, सीढ़ियां चढ़ना हो, बंदे का सांस फूल जाता है और बस बैठ जाएगा वो, ठीक है। तो ब्रीदिंग पैटर्न्स और आपकी जो बाकी सिस्टम्स हैं, ब्लड सिस्टम, ये भी प्रॉपर होना जरूरी है। नॉर्मल अगर हम देखें ना, तो वो जो पोस्चर बनता है ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स के साथ जिन पेशेंट्स के अंदर, उनमें आपने गौर किया होगा कि या तो उनके कंधे जो है ना वो एलिवेटेड होते हैं, या फिर वो बेंडिंग पोजीशन के अंदर होते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, और उन्होंने अपने आप को सपोर्ट किया होता है अपनी एल्बोज को अपनी थाइज के ऊपर रख के, फोर आर्म्स को थाइज के ऊपर रख के सपोर्ट किया होता है। ये सपोर्ट बेसिकली क्या है कि ये आपके डायफ्राम के ऊपर जो है ना वो लोड थोड़ा सा कम कर देती है, और उसको जो है वो इतना ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, और जो एक्सपेंशन है लंग्स की वो थोड़ी आसानी से हो जाती है, ठीक है। इसलिए पेशेंट्स जो है वो इस तरह का पोस्चर अडॉप्ट करना पसंद करते हैं, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। ये अभी मैं बात आपसे कर रही थी कि जो कि जनरल गाइडलाइंस हैं, अगर हम एक इम्पेयर्ड पोस्चर के पेशेंट की बात करें कि वो आपके पास अगर आया है तो आप उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है डेवेलप करनी पड़ेगी आपको अवेयरनेस और कंट्रोल ऑफ स्पाइनल पोस्चर। मतलब उसको पहले ये बताना पड़ेगा, काइनेस्थेटिक सेंस उसकी डेवलप करनी पड़ेगी कि आपका जो पर्टिकुलर स्टेम पेस पोस्चर है या पर्टिकुलर सेगमेंट है वो किस पोजीशन के अंदर है। पेशेंट को अगर यही नहीं पता कि उसका पर्टिकुलर सेगमेंट किस पोजीशन के अंदर इस टाइम पे प्रेजेंट है, वो क्या इस चीज को अप्रिशिएट करेगा कि उसका पोस्चर जो है वो खराब है। आपको उसकी काइनेस्थेटिक सेंस डेवलप करनी पड़ेगी, किस तरह से अभी आगे देखते हैं। पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, रिलेशनशिप समझाना पड़ेगा कि आपका फॉल्टी पोस्चर और सिम्टम्स जो आपको पेन के आ रहे हैं उसके दरम्यान में क्या लिंक है। पेशेंट तो सिर्फ पेन के साथ आया, उसको तो सिर्फ पेन के साथ गर्ज है और कुछ नहीं, उसको बस ये कि मेरा पेन ठीक हो जाए, लेकिन जब तक उसको ये नहीं पता होगा कि उसका पेन हो क्यों रहा है, हम कैसे पेन ठीक करेंगे। जब तक आप उसको ये नहीं समझाओगे या वो नहीं समझेगा कि आपका जो सिटिंग पोस्चर है जहाँ पे आप ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, या जो आपका पढ़ने का पोस्चर है वो ठीक नहीं है, जब तक वो ये नहीं समझेगा उसका पेन ठीक नहीं होगा। क्योंकि पेन के लिए वो एक्सरसाइजेस करता रहे, मेडिकेशन खाता रहेगा, लेकिन उसका पोस्चर वहीं का वहीं है, नो यूज। इंक्रीज मोबिलिटी इन रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट्स, ठीक है, मोबिलाइजेशन या आपके जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं फेशिया के अंदर, आपको मोबिलाइजेशन या स्ट्रेचिंग टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी, सेल्फ स्ट्रेचिंग में समझानी पड़ेगी पेशेंट को। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, इसके लिए स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस, कौन सी स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस, वो मसल्स जो आपको स्टेबलाइज कर रहे थे आपकी स्पाइन को, कौन कौन से थे वो, ग्लोबल मसल्स और कोर मसल्स, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। सेफ बॉडी मैकेनिक्स, जो आपकी फंक्शनल एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, उसमें आपको मैकेनिक्स किस तरह से रखने हैं, सेफ मैकेनिक्स क्या है, लाइक स्क्वाटिंग है, लंजेस हैं, रीचिंग पुशिंग पुलिंग एक्टिविटीज हैं, जिम की ट्रेनिंग वगैरह आप ले लो, आपने इसमें मैकेनिक्स किस तरह से रखनी है, किस एंगल पे आपने जाके काम करना है, किस तरह से अपने अपने जॉइंट्स को मूव करना है, क्या पोजीशन आपने मेंटेन करनी है, ये सारी चीजें पेशेंट को पता होंगी तो वो इंजरी से बचेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगा। एर्गोनॉमिक्स असेसमेंट, ठीक है, वर्क होम रिक्रिएशनल एनवायरनमेंट, जहां जहां पेशेंट जो है वो जा रहा है उसको आपको उसकी एर्गोनॉमिक्स को असेस करना पड़ेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपके जो पोस्टरल फॉल्ट है उसमें एक बड़ा रोल आपके स्ट्रेस का भी है, आप गौर करो अगर आपके मूड स्विंग्स चल रहे हैं, आपको टेंशन है किसी चीज की, ठीक है, आपका खाम खा की पेन्स निकल आती हैं, वो खाम खा नहीं होती बेसिकली, वो आपका अनइंटेंशनली आपके पोस्टर जो है ना वो खराब हो रहे होते हैं,
तो पेशेंट की अगर इस तरह की स्ट्रेस है तो पेशेंट की स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी पड़ेगी. किस तरह करनी है वो एक्सरसाइज अभी आगे देखते हैं स्लाइड्स के अंदर. सेफ एरोबिक एक्सरसाइजेस एक्टिविटीज इम्प्लीमेंट इन प्रोग्रेस एन एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम. क्यों? क्योंकि एरोबिक से आपकी जो बाकी के सिस्टम्स हैं, जो आपका ब्लड सिस्टम है, आपका ब्रीदिंग पैटर्न है, ये बेहतर होना है. तो ये भी चीजें जरूरी है इनकॉर्पोरेट करना. प्रमोट हेल्दी एक्सरसाइजेस हैबिट्स फॉर सेल्फ मेंटेनेंस. इंटीग्रेशन ऑफ अ फिटनेस प्रोग्राम, रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड सेफ बॉडी मैकेनिक्स इनटू डेली लाइफ. ये तो इससे पहले तक तो आपका ट्रीटमेंट चल रहा था. ट्रीटमेंट अगर हो गया, पेशेंट ठीक है, आपने ये भी तो उसको बताना है कि फिर आपने अपनी डेली लाइफ में इन चीजों को कंटिन्यू कैसे करना है. ये नहीं है कि आपने बीमार हुए हैं तो एक्सरसाइजेस कर ली. एक्सरसाइज जो है वो डेली रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए, जो कि नहीं रहा अब. बट ये चीजें जरूरी हैं और ये आपने पेशेंट को बतानी होगी. अब वो जो हम बात कर रहे थे कि कंट्रोल और स्पाइनल पोस्चर्स को अवेयरनेस उनकी काइनेस्थेटिक सेंस टू डेवलप करना, वो किस तरह से है कि जो पोस्चर ट्रेनिंग की टेक्निक्स हैं उसके अंदर कुछ आपकी तरफ से जो है ना वो थेरेपिस्ट की तरफ से और पेशेंट की तरफ से ना वो कुछ रीइंफोर्समेंट्स होनी चाहिए, कुछ क्यूज होने चाहिए जो कि क्या है. वर्बल, टेक्टाइल और विजुअल. वर्बल रीइंफोर्समेंट हम किसको कहते हैं कि आप जब पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करें तो आप उससे फ्रीक्वेंटली ये चीज कहें कि वो अपनी सेंसेशंस, अपनी फीलिंग्स को बताए, डिस्क्राइब करे कि पर्टिकुलर एक सेगमेंट को आप मूव कर रहे हैं, एक मसल को मूव कर रहे हैं, एक मसल को, एक जॉइंट को आप मूव कर रहे हैं तो आपको फील कैसा हो रहा है. इससे पेशेंट का जो है वो इंटरेक्शन बनेगा और वो इस चीज को सेंस करना शुरू करेगा कि हाँ मैं कैसा फील कर रहा हूँ. अगर एक बाजू को मैं मूव कर रहा हूँ तो वो किस किस्म का मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है. अगर हम स्पाइन की बात करें, हम नेक की बात करें, हम हेड की बात कर लें, हम नेक और हेड को जो है वो पेशेंट मूव कर रहा है, किस किस्म की उसकी फीलिंग है, क्या महसूस हो रहा है उसको. टेक्टाइल रीइंफोर्समेंट्स. टेक्टाइल रीइंफोर्समेंट्स क्या होगी कि पेशेंट जो पोजिशन बना रहा है, ठीक है, या जो वो सेगमेंट को मूव कर रहा है या वो जिस मसल को यूज कर रहा है उसको टच करके उसको महसूस करे कि वो क्या हो रहा है, यहाँ कौन सा मसल मूव कर रहा है. आपको पता है कि जब हम मसल को मूव करते हैं तो हम अगर हम उसके नीचे ऊपर हाथ रखें तो हाथ के नीचे मसल हमें कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ फील होता है, ठीक है. टेंडन की मूवमेंट हमें फील होती है. तो टेक्टाइल रीइंफोर्समेंट क्या है कि जो पेशेंट काम करने लगा है, जो मूवमेंट करने लगा है, जो सेगमेंट को यूज करने लगा है, उसको टेक्टाइल सेंसेशंस के थ्रू पेशेंट महसूस करे कि क्या कर रहा है. फिर विजुअल रीइंफोर्समेंट्स, आप मिरर्स को यूज कर सकते हैं. पेशेंट जहां पे एक्सरसाइज कर रहा है आप उसके सामने मिरर प्लेस करें, पेशेंट देखे कि मेरा पोस्चर क्या था और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है. लाइक फॉरवर्ड हेड का पोस्चर है, आप पेशेंट को बताएंगे आपकी ये गर्दन की पोजीशन ये बनी हुई है, अब जब वो उसको आप ठीक करवाओगे तो पेशेंट उसको महसूस करेगा कि पहले ये था, अब मेरी पोजीशन ये आई है. बाकी रीइंफोर्समेंट्स के साथ उसको क्या होगा, अवेयरनेस और कंट्रोल उसका डेवलप होगा अपने स्पाइन के पोस्चर्स के ऊपर, ठीक है. अब ये इसमें ये जो अदर टेक्निक्स हैं, आपने पोस्चर को जो मेंटेन करना है, उसको रीअलाइन करना है, उसकी टेक्निक्स में क्या आ जाता है. सबसे पहले एक्सियल एक्सटेंशन, मतलब सर्वाइकल की रिट्रैक्शन. सर्वाइकल को जब आप रिट्रैक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो हेड और नेक का पोस्चर ठीक बनेगा, फॉरवर्ड हेड पोस्चर डिक्रीज करेगा. उसके लिए एक्सियल एक्सटेंशन के लिए हम क्या करते हैं कि पेशेंट की जो चिन है ना उसको हम पुश करते हैं बैकवर्ड्स. पेशेंट की चिन को जब आप पुश करोगे बैकवर्ड्स तो ऑटोमेटिकली आपका जो सर्वाइकल एक्सटेंशन है या जो सर्वाइकल रिट्रैक्शन है वो प्रोड्यूस होगी. अभी बैठे बैठे करके देख लो, अपनी अपनी चिन को जो है वो अपनी फिंगर के साथ पुश करो पीछे की तरफ तो आपकी सर्वाइकल रिट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी. स्कैपुलर रिट्रैक्शन कराते हैं. स्कैपुलर रिट्रैक्शन हम किस तरह से कराएंगे कि आपके शोल्डर जो है ना वो पीछे की तरफ जाने चाहिए, जो राउंडेड शोल्डर्स बने होते हैं. उसमें हम पेशेंट को क्या कहेंगे कि आपके जो मिड थोरेसिक एरिया बनता है या जो दो आपके स्कैपुला है उनके दरमियान में आप हाथ प्लेस करते हो और पेशेंट को कहते हो कि अपने जो स्कैपुलर्स है ना इनके थ्रू जो मेरे थेरेपिस्ट का हाथ है उसको जरा ग्रैब करने की कोशिश करें.
उसको पकड़ने की कोशिश करें। अब जब उसको पकड़ने के लिए पेशेंट क्या करेगा, अपने थोरेसिक को जो है ना वो एक्सटेंड करेगा और आपके जो स्कैपुला क्या है उनको रिट्रैक्ट करेगा। ठीक, पेल्विक टिल्टिंग, पेशेंट को क्वाड्रेट पोजिशन के अंदर आप टिल्टिंग सिखाएंगे। न्यूट्रल टिल्ट क्या होती है, इंटीरियर टिल्टिंग क्या होती है, पोस्टीरियर टिल्टिंग क्या होती है, उसको पहले समझाएंगे, उसके बाद पेशेंट की जो टिल्टिंग है उसको नॉर्मल की तरफ लेकर आएंगे। थोरेसिक स्पाइन के ऊपर एक्सटेंशन कराई जाती है, जैसे अभी पहले आपको बताया। ओवरऑल जो है वो फिर स्पाइन की मूवमेंट और कंट्रोल डेवलप कराया जाता है। किस तरह से स्टार्ट करते हैं हम, बिल्कुल हेड से। सबसे पहले आप हेड को फ्लेक्स करते हैं, फिर नेक को फ्लेक्स करते हैं, देन आप थोरेक्स को अपने फ्लेक्स करते हैं, देन आप लंबर को फ्लेक्स करते हैं। बिल्कुल आप इस तरह से क्या है कि ईच एंड एवरी स्पाइन का जो सेगमेंट है उसको फॉरवर्ड बेंडिंग की तरफ लेके जाते हैं, और फिर वन बाय वन जिस तरह से आप नीचे गए थे उसी तरह से आपने आखिरी सेगमेंट को पहले एक्सटेंड करना है, फिर उसके बाद एक्सटेंड करते 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 आप अपनी स्पाइन को कंप्लीट क्या करते हो, एक्सटेंड करते हो। इस तरह से ओवरऑल स्पाइन की मूवमेंट प्रोड्यूस होती है और इससे आपका कंट्रोल डेवलप होता है। ठीक, ये आपको ये जो मैं बता रही थी कि जो ट्रेनिंग की टेक्निक्स है उसको किस तरह से, कि आप फॉरवर्ड हेड पोस्चर को किस तरह से ठीक करेंगे, सर्वाइकल को आपने किस तरह से रिट्रैक्ट करना है, और साथ में दूसरा जो है वो जो स्कैपुलास है उनको रिट्रैक्ट किस तरह से करेंगे। अच्छा, ये पोजीशन, बल्कि ये ज्यादा बेहतर पोजीशन है, जैसे अब थोरेसिक की एक्सटेंशन अगर आपने करनी है तो पेशेंट को किस तरह से बताना है कि आप वॉल के साथ खड़े हो जाएं, ठीक है, और उसके बाद आप अपने जो है वो बाजू दोनों एबडक्ट करके दीवार के साथ लगा लें, और फिर अपने जो बाजू हैं आर्म्स हैं उनको एलिवेट करना शुरू करें। तो उससे वो जो आपकी थोरेसिक के ऊपर स्पेस थी इधर, उसको हम क्या रिड्यूस करते हैं, यानी कि थोरेसिक जो अगर बहुत ज्यादा आपकी थोरेसिक स्पाइन कर्व है, कैफोसिस है, तो उसको एक्सटेंशन की तरफ लेके जाने में हेल्प आउट करती है ये चीज। वर्क प्लेस के ऊपर जो हम असेसमेंट की बात कर रहे थे, इकोनॉमिक्स, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो सीटिंग एरिया है वो बड़ा प्रॉपर होना चाहिए, लेवल के ऊपर होना चाहिए, जितना करीब तरीन आप अपने सिस्टम के रह सकते हैं उतना आप बैठें, आपके पास जो है वो प्रॉपर फुट रेस्ट होना चाहिए, आपके फीट और जो है नीज हैं, हिप है, ये 90-90 एंगल के ऊपर होने चाहिए, आपकी जो बैक की जो है ये चेयर की जो बैक है वो कर्व्ड हो तो ज्यादा बेहतर है, बिल्कुल स्ट्रेट होगी तो प्रॉब्लम थोड़ा सा राइज करेगा, आपके जो आईज हैं और आपके जो मॉनिटर की हाइट है वो बिल्कुल एक लेवल पे होनी चाहिए ताकि आपको झुकना ना पड़े आगे की तरफ, आपका कीबोर्ड और आपके जो एल्बोज हैं वो एक लेवल पे होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए, आपके रिस्ट को बहुत ज्यादा हाइपर एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके कार्पल टनल के वो केसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपकी असेसमेंट में आ जाती हैं एर्गोनॉमिक्स। अब इसके अलावा गाइडलाइंस, या जब आपने पेशेंट को ट्रीट कर रहे होना है तो उस वक्त आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड चीजें हैं उसमें क्या आप जो सेल्फ स्ट्रेचेस बताते हो वो किस तरह से, कि ये लिवेटर स्कैपुली का स्ट्रेच है, ठीक है, इसमें क्या है कि आप पेशेंट को बोलते हो कि आपने अपने एक्सिला की तरफ जो है ना वो देखना है और उसकी तरफ अपना मुंह लेके जाना है नीचे की तरफ, और आप उसको जो है वो रीइंफोर्स किस तरह से कर रहे हो कि बैक साइड से आपने अपनी सीट को पकड़ लिया और दूसरी तरफ से आप अपने हेड को क्या कर रहे हो, एक्सिला की तरफ नीचे बेंड कर रहे हो, तो जो स्ट्रेच आएगा वो आपका लिवेटर स्कैपुली के ऊपर स्ट्रेच आता है। स्कैलेनीज का स्ट्रेच जो है वो सिंपल हम क्या करेंगे, साइड बेंडिंग की तरफ, ठीक है, साइड बेंड करेंगे और आप एक हाथ से जो है वो उसको रीइंफोर्स करोगे, ओवर स्ट्रेच जो है वो उसको दे सकते हो। पेक्टोरेलिस मेजर का स्ट्रेच जो है वो किस तरह से है कि आप डोर वे के अंदर खड़े हो जाओ, दोनों हाथ जो है वो दोनों आर्म्स अपने दरवाजे के साथ जो है वो प्लेस कर लें, और वहां पे प्लेस कर रखे रखे आपने खुद को क्या करना है, आगे की तरफ शिफ्ट करना है। अब इससे क्या हो रहा है कि आपकी ओवरऑल जो शोल्डर है या जो स्कैपुला है उसकी रिट्रैक्शन हो रही है, रिट्रैक्शन होगी तो सामने के जो पेक्टोरल मसल्स हैं वो स्ट्रेच करेंगे। ये सारे स्ट्रेचेस हैं क्योंकि पेशेंट को आपने घर के लिए भी बताना होता है। लेटिसमस डॉर्साई का स्ट्रेच किस तरह से है, अगर आप दोनों, अगर पेशेंट इस तरह का है कि ये काम कर सकता है तो उसको जरूर बताएं। हैंगिंग अगर आप कराएंगे, ठीक है, और हैंगिंग में आपके शोल्डर्स जो है ना वो वाइडर होने चाहिए, अपार्ट होने चाहिए, और उसमें जब आप हैंगिंग कराते हैं तो ये आपके बाइलैटरल आपके लेटिसमस डॉर्साई के ऊपर स्ट्रेच आता है। अदरवाइज अगर आपने राइट एक साइड का करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप एक तरफ से जो है वो किसी
सपोर्ट को जो है वो पकड़ लें, ठीक है, बिल्कुल साथ आपने खड़े हो जाना है, और उसके बाद फिर आपने अपने आप को क्या करना है, पुल अवे करना है, राइट। तो वो एक साइड पे जो है ना वो आपका स्ट्रेच प्रोड्यूस होगा, ये साथ में आपके जो है वो थोड़ा बहुत इसके क्वाड्रेटिस लंबोरम के ऊपर भी स्ट्रेच आ सकता है। लेटिसमस डॉर्साई का दूसरा स्ट्रेच क्या है, आप रोलर्स के साथ कर सकते हैं, ठीक, ये पोजीशन आप मेंटेन कर सकते हैं साइड प्लैंक पोजीशन के अंदर, और उसमें आप रोलर्स रख सकते हैं डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, ठीक, तो वो आपके स्ट्रेच जो है वो लेटिसमस के ऊपर आ सकता है। लंबर एंड हिप फ्लेक्सेस का जो स्ट्रेच है, एब्डोमिनल्स का और हिप फ्लेक्सेस का स्ट्रेच, ये कोबरा पोजीशन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम कोबरा पोजीशन कहते हैं, वो कोबरा की पोजीशन, इस तरह से उसने अपना मुंह उठाया हुआ होता है, ये उसी तरह की पोजीशन है, ये आपकी इन दोनों मसल्स के ऊपर, ग्रुप्स के ऊपर स्ट्रेच प्रोड्यूस होता है, जनरल स्ट्रेचेस है ये बिल्कुल। TFL का अगर स्ट्रेच आप चाह रहे हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दीवार के साथ आप खड़े हो जाए, ठीक है, एक हाथ आपका दीवार के साथ होगा और एक लेग को जो है ना, एक लेग आपकी एडक्टेड, सॉरी, एक तो लेग आपकी न्यूट्रल पोजीशन में, जिस लेग के ऊपर आप स्ट्रेच लेना चाह रहे हैं उसको आप मिड लाइन जो एडक्टेड पोजीशन है उससे और ज्यादा अवे लेके जाएंगे, ठीक है, ये दूसरी लेग के पीछे से आपने निकाल के बहुत ज्यादा ओवर जो है वो आपने मिड लाइन को क्रॉस करके एडक्शन रिप आप प्रोड्यूस करेंगे, तो ये क्योंकि यहाँ पे ये लेटरल साइड पर प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे ये इसका स्ट्रेच आएगा। इसको हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच हम सबको पता है, बहुत कॉमन है, स्ट्रेट लेग रेजिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो आपका हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच है, अगर आप इसमें रीइंफोर्स इसको करना चाह रहे हैं तो आप इसको कोई बैंड यूज कर सकते हैं जिससे आप एंकल के ऊपर डॉर्सिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करें, तो वो ओवरऑल आपकी जो काफ मसल्स भी हैं और हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। इसी तरह से गैस्ट्रोकिनेमियस और सोलियस का स्ट्रेच अगर आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो लंज पोजिशन बनती है, ठीक है, फॉरवर्ड लंजेस पोजिशन, उसके अंदर आप इसको जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। जो पोस्टीरियर लेग होगी ये आपकी स्ट्रेच करेगी, ये सोलियस मसल और गैस्ट्रोकिनेमियस मसल। इसके अलावा ये भी इसका दूसरा तरीका है कि अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप वॉल के साथ सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक, जैसे जैसे आप झुकते चले जाएंगे पोस्टीरियर लेग पीछे करते चले जाएंगे उस तरह से आपको स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा। तो ये जनरल आपके जो है ना वो स्ट्रेचिंग टेक्निक्स थी जो कि आप पेशेंट को बताएंगे जिससे आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब क्या है कि जो रिलेशनशिप है रिलेशनशिप ऑफ इम्पेयर्ड पोस्चर एंड पेन, अब इनका आपस में क्या है, हैव द पेशेंट अज्यूम द फॉल्टी पोस्चर एंड वेट। रिलेशनशिप आपने समझाना किस तरह से है पेशेंट को, वो भी समझ लें कि पेशेंट को कहेंगे वो जो फॉल्टी पोस्चर है ना वो बनाए और उसके बाद फिर वेट करें। जब उसको डिसकंफर्ट शुरू होगी उस वक्त पॉइंट आउट करें, उस पोस्चर को पॉइंट आउट करें और उस वक्त इंस्ट्रक्ट करें कि अब इसको आपने करेक्ट कैसे करना है, और फिर उसकी फीलिंग को महसूस करें कि जो आपको रिलीफ मिला, अदरवाइज पेशेंट को कैसे समझ आएगी कि मेरा पोस्चर जो है वो खराब है। मतलब उसको वो जो डिसकंफर्ट है वो फील होने दें और उसी से करवाएं ताकि उसको पता चले कि ये प्रॉब्लम था, और रिलीफ किसको कहते हैं और पेन किसको कहते हैं और फॉल्टी पोस्चर किसको कहते हैं। ड्रॉ देयर अटेंशन टू नोटिसिंग व्हाट पोस्चर दे आर इन एंड हाउ दे कैन कंट्रोल द डिसकंफर्ट, ठीक है, फोकस किस चीज के ऊपर है कि जो आपका पोस्चर आपने बनाया हुआ है वो कौन सा बेसिकली आपने पोस्चर बनाया हुआ जिसमें आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, और डिस्कम्फर्ट अगर फील हो रहा है तो फिर आपने उसको कंट्रोल कैसे करना है ये उसको आपने सिखाना है। अच्छा, अब हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी बात की थी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है, रिलैक्सेशन होनी चाहिए, उसमें मसल्स को रिलैक्सेशन टेक्निक किस तरह से हम यूज करेंगे वो भी मैं बताती हूँ आपको। कॉन्शियस रिलैक्सेशन ट्रेनिंग पर सर्वाइकल रीजन मोडालिटीज यूज कर सकते हैं, मसाज थेरेपी यूज हो सकती है, सॉफ्ट टिश्यूज को जो है वो हम रिलीज कर सकते हैं, हेल्थी एक्सरसाइज हैबिट्स, ओवरऑल अगर आप डेली लाइफ के अंदर अपना ये एक रूटीन बनाएं तो वो भी आपको हेल्प आउट करती है। अब हम बात करने लगे रिलैक्सेशन टेक्निक्स की, किस तरह से आप पेशेंट को रिलैक्स कर सकते हो। तो सर्वाइकल और अपर थोरेसिक रीजन की अगर हम बात करें तो पेशेंट को जो है ना वो सिटिंग पोजीशन के अंदर आप रखें कि पेशेंट सिटिंग पोजीशन के अंदर हो और उसके जो हाथ हैं वो उसकी गोद में हो, ठीक है, जनरल सिटिंग पोजीशन, आर्मसी पोजीशन, आरओएम ऑफ ऑल मूवमेंट्स ऑफ स्कैपुलर शोल्डर सर्वाइकल एंड थोरेसिक स्पाइन। अब इसी पोजीशन के अंदर आप पेशेंट की ईच एंड एवरी जो आरओएम एक्सरसाइज है, आरओएम मूवमेंट है वो करवाएं, स्कैपुला की चारों मूवमेंट्स,
शोल्डर की छह की छह मूवमेंट्स, सर्वाइकल की चारों मूवमेंट्स, थोरेसिक स्पाइन की एक्सटेंशन मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है, ये सारी मूवमेंट्स आप पेशेंट से क्या करें, परफॉर्म कराएं इन अ पैटर्न, इन अ सर्कल, वन बाय वन वन बाय वन. लोअर थोरेसिक और लंबर रीजन के लिए अगेन आप पेशेंट को सिटिंग में रख सकते हैं या आप स्टैंडिंग पोजिशन में, और इसमें आप लंबर की एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ लंबर स्पाइन बाय लीनिंग बैकवर्ड. बेनिफिशियल फॉर पर्सन सिटिंग इन अ फॉरवर्ड बेंडिंग पोजिशन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स. जो लोग बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए फॉरवर्ड बेंडिंग पोजिशन के अंदर होते हैं, उनके मसल्स क्योंकि उस वक्त थक रहे होते हैं, और खासतौर पर ये रिलैक्सेशन टेक्निक है कि आपके मसल्स जो है वो जनरली रिलैक्स करें, जिस भी पोस्चर के अंदर हैं वो थोड़ी देर के लिए उस पोस्चर से निकल आए. तो लंबर की एक्सटेंशन ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत सूटेबल रहती है जो कि फॉरवर्ड पोस्चर जिनका है, बेंडिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर. फ्लेक्शन ऑफ लंबर स्पाइन विद एंड विदाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल्स, डैंगलिंग द आर्म्स टुवर्ड्स फ्लोर, के वो जो बिल्कुल आप ढीली ढाली जो है वो पोजिशन के अंदर आप पेशेंट को जो है वो बेंड करा लें. और जैसे बच्चे बच्चों का पोस्चर होता है ऐसे ही बस जो है ना वो अपने आप को छोड़ा होता है, बाजू भी लटक रहे होते हैं, और वो पेंडुलर एक्सरसाइजेस भी जिसको हम बोलते हैं कि पेंडुलर की तरह से जो है वो बाजू भी बेशक जो है वो आपके मूव कर रहे हैं. अब ये किस किन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है, बेनिफिशियल फॉर दोज हु स्टैंड इन लॉर्डोटिक पोस्चर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स. कुछ लोगों की जॉब ऐसी हो सकती है, सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकते हैं जिनकी बहुत ज्यादा जो है वो खड़े रह के ड्यूटी करने वाला काम हो, तो उस केसेस के अंदर ज्यादा जो है जिनकी एक्सटेंशन एक्सरसाइज एक्सटेंशन मूवमेंट रहती है काम के अंदर, तो उनको जब आप फॉरवर्ड जो है वो फ्लेक्शन करवाते हो तो उससे उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा, रिलैक्स करेंगे मसल. आप गौर करना किसी दिन घर में फीमेल्स को जैसे ज्यादा कोई दावत वगैरह हो और काम ज्यादा करना पड़े किचन का, और सुबह से लेके जो है वो दोपहर हो जाए शाम हो जाए, आपको खड़े 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 काम करना पड़ा है, बर्तन भी धोने हैं और बड़ा कुछ आपने करना है, तो एट द एंड जब आप बैठते हो आपका दिल कहता है कि मैं बिल्कुल जो है ना वो फॉरवर्ड बेंड होके जो है ना वो बैठूं, बिल्कुल फॉरवर्ड बेंड हो जाऊं. या समटाइम्स जो है ना वो हम उसके लिए क्या करते हैं, वो जो हमारा सजदे वाली पोजीशन होती है ना उसमें जब हम जाते हैं ना हमें बहुत सुकून मिलता. रीजन क्या है कि हमारे स्पाइन के ऊपर एक्सटेंशन बहुत ज्यादा देर से थी और अब हमारे मसल्स को जो है ना उसके ऑपोजिट मूवमेंट करके रिलैक्सेशन उसमें आ रही है. साइड बेंडिंग रोटेशन एंड वॉक अराउंड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, ये आपको क्या है रिलैक्स करती है आपके लंबर एरिया. कॉन्शियस रिलैक्सेशन ट्रेनिंग फॉर द सर्वाइकल रीजन, आप कॉन्शियसली पेशेंट को आप किस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं पेशेंट की काइनेस्थेटिक सेंस को अवेयर करने के लिए. पेशेंट को आप सिटिंग पोजिशन में रखें, सिटिंग विद आर्म्स रिलैक्स्ड ऑन अ पिलो और पिलो पे या उसकी लैप के अंदर, गोद के अंदर, ठीक है. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन सीक्वेंस, क्या है वो सीक्वेंस जिसमें आप कॉन्शियसली पेशेंट को जो है वो रिलैक्स करते हैं. Use diaphragmatic breathing and breathe in slowly and deeply through the nose. Patient को क्या कहना है आपने कि वो जैसे कहते हैं ना लंबे लंबे सांस लेना, लंबा सांस खींचे नाक के थ्रू, नोज के थ्रू, मुंह से नहीं, नोज के थ्रू. नाक से लंबा सांस खींचे, जब आपको महसूस हो कि आपका जो एब्डोमेन है जो फुल भर गया है आपकी एयर के साथ, बिल्कुल जो है वो बाहर की तरफ निकल आया, उस वक्त जो है वो आप स्लोली स्लोली उसको मुंह के थ्रू, माउथ के थ्रू, स्लो पैटर्न के अंदर, स्लोली फैशन में आप उसको एयर को एक्सपेल आउट करें. दिस इज बेसिकली डायफ्रेग्मेटिक ब्रीदिंग, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है ब्रीदिंग कंट्रोल के लिए. डीप ब्रीदिंग, ठीक है, डायफ्रेग्मेटिक ब्रीदिंग थ्रू नोज और ब्रीदिंग आउट फ्रॉम माउथ, राइट. उसके बाद आप क्या करें, जॉग और रिलैक्स करें, टीला छोड़ दें, कोई उसमें जो है वो क्लेंच टीथ ना हो, टीला छोड़ दें अपने जॉ को. स्लोली नेक को क्या करें, फ्लेक्स करें, नेक को फ्लेक्स किया, देन स्लोली रेज द हेड टू न्यूट्रल, इनहेल स्लोली एंड रिलैक्स. फिर क्या करें, आप आराम आराम से अपने हेड को क्या करें वापस न्यूट्रल के ऊपर जो है वो उठाएं, इनहेल करें स्लोली, अगेन उसी तरह से डायफ्रेग्मेटिक ब्रीदिंग, और उसके बाद क्या करें जब आप एक्सहेल करेंगे वो रिलैक्स फील करें.
ठीक है, रिलैक्स करने का मतलब ये है कि उस टाइम पर बिल्कुल छोड़ दें, फिर कुछ भी ना करें, कोई मूवमेंट नहीं कुछ नहीं, राइट। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी कॉन्शियस जो रिलैक्सेशन है वो क्रिएट करती है। रिपीट द मोशन, डायरेक्ट द पेशेंट अटेंशन टू द फीलिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अगेन कॉन्शियसली है तो पेशेंट की अटेंशन आपने डेवलप करनी है कि हो क्या रहा है। फील द मसल्स, जो मसल्स मूव कर रहे हैं उनको महसूस करें, वो वही हो सकते हैं, वो विजुअल क्यूज हैं, वो टेक्टाइल हैं, आपकी वो क्या था वर्बल क्यूज हैं, ठीक है। जस्ट थिंक ऑफ लेटिंग द हेड ड्रॉप फॉरवर्ड एंड देन टाइटनिंग द मसल्स, कि मतलब महसूस करें ना कि आपने हेड को ड्रॉप किया है और उसके बाद आप अपने हेड को जब राइज कर रहे हैं तो उस टाइम आप अपने मसल्स को टाइट कर रहे हैं, आपने अपने नेक के मसल्स को टाइट होता हुआ महसूस करें। जस्ट थिंक ऑफ टेंसिंग द मसल्स एंड रिलैक्सिंग, लेटिंग द टेंशन गो आउट ऑफ द मसल्स इवन मोर, ठीक है। पेशेंट को कहना है कि उसने महसूस करना है चीजों को, जब वो महसूस करेगा तो वो ऑटोमेटिकली इस चीज की तरफ आएगा कि प्रॉब्लम था क्या और उसको मैंने ठीक कैसे करना है, उसको मैंने कंट्रोल किस तरह से लेके रखना है, ठीक है। तो ये जनरल आपकी जो है ना वो मैनेजमेंट थी, पोस्टरल जो फॉल्ट्स हैं उसको आपने ट्रीट कैसे करना है, उसको आपने क्योर कैसे करना है, ठीक है जी। इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम है आज के लेक्चर में तो पूछ लीजिए। हाँ जी बेटा, कोई सवाल बेटा, कोई किसी किस्म की कोई चीज समझ में ना आई हो। स्ट्रेच वीकनेस और टाइट वीकनेस का बेटा, जब मसल्स बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग स्ट्रेचिंग की पोजीशन में रहते हैं तो ऑब्वियसली वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लूज कर देंगे ना, जब उनको आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, उनके अंदर वीकनेस आएगी। और अगर आप मसल्स को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन के अंदर रखोगे तो शॉर्ट एंड पोजीशन में तो वो ठीक है, अच्छे से काम कर लेंगे, लेकिन उनकी इलास्टिसिटी लूज हो चुकी होगी, और जब आप उनको स्ट्रेच करोगे तो क्योंकि इलास्टिसिटी नहीं है तो वो पेन कॉज करेंगे। टेक्टाइल जो रीइंफोर्समेंट है वो ये है बेटा कि जब आप कोई मूवमेंट करा रहे हो पेशेंट को तो पेशेंट को कहो कि अपना हाथ वहां रखे। जब अपना पेशेंट वहां हाथ रखेगा तो हाथ के नीचे उसको मसल कॉन्ट्रैक्ट करते महसूस होंगे, टेंडन्स मूव करते महसूस होंगे, तो उसको पता चलेगा कि अच्छा मेरा ये पार्ट मूव कर रहा है, उसके लिए मेरा ये मसल है जो मूव कर रहा है, बेसिकली इसको मूव कराना है, इसको ऐसे मूव करना है, उसको महसूस कराओ कि हम कर क्या रहे हैं। सोफिया ठीक है बेटा, लेंथ टेंशन कर्व बेटा आप लोगों ने पढ़ी होगी बायोमैकेनिक्स में कि मसल की जो लेंथ है ना, सॉरी मसल की जो टेंशन है यानी उसके अंदर इंट्रामस्कुलर टेंशन जनरेट करने की एबिलिटी, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है उसकी लेंथ के ऊपर। मसल की लेंथ अगर बहुत ज्यादा शॉर्ट हो यानी बिल्कुल वो एंड रेंज पे चला जाए, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो टेंशन डेवलपिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अगर मसल को आप उसकी एक्सट्रीम आउटर रेंज के ऊपर ले जाओ, स्ट्रेच्ड पोजीशन के अंदर ले जाओ, तब भी उसके अंदर टेंशन जनरेटिंग एबिलिटी कम हो जाती है। ये जो न्यूट्रल दरमियान की ये जो मिड रेंज है और जो उसका न्यूट्रल आरओएम या कह लो कि न्यूट्रल जो रेंज है पोजीशन है, उसके अंदर मसल की जो टेंशन जनरेटिंग एबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। तो जब भी ये इससे डेविएट करेगा तो उसकी कर्व जो है वो चेंज हो जाएगी, टेंशन जनरेटिंग एबिलिटीज कम हो जाएंगी।
बेटा लेक्चर्स की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो सारी की सारी LMS पे प्रेजेंट हैं, आप प्लीज उसको जाके खोलिए, रिकमेंडेड सोर्सेज के अंदर आपको हर लेक्चर जो है वो मिल जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग और स्टडी मटेरियल के अंदर उसकी PPT मिल जाएगी। बेटा जो आपकी लॉन्ग लेग होगी वो एडक्टेड पोजीशन के अंदर होगी, अगर मैंने गलत बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, करेक्ट कर लीजिए इसको, कि जो आपकी लॉन्ग लेग होगी वो एडक्टेड पोजीशन के अंदर होगी और जो स्मॉल लेग है वो एबडक्टेड एबडक्टेड पोजीशन के अंदर होगी, बाहर को निकाल के जो है वो पेशेंट खड़ा रहता है। हो सकता है मेरे मुंह से अबडक्टेड गलत निकल गया हो या आपने गलत सुना हो, बहरहाल इसको करेक्ट कर लीजिए कि जो लॉन्ग लेग है दैट इज मैं बता रही हूँ, जो आपकी लॉन्ग लेग है वो आपकी एडक्टेड पोजीशन के अंदर होगी और जो आपकी स्मॉल लेग है वो हमेशा आपकी एबडक्टेड पोजीशन के अंदर होगी। ठीक है बेटा, क्लास का टाइम खत्म हो गया है, वो मुझे कह रहे हैं कि अगले टीचर आ गए हैं, तो इसको आप यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, कोई चीज प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलें, ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।